नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको धान में झंडा रोग, जिसे बकानी रोग बोलते हैं, किसान भाई अधिकतर किसान भाई झंडा रोग से पहचानते हैं। यह रोग एक प्रकार फफूंदी जनित रोग होता है। यह हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह रोग ज़्यादातर बासमती धान में पाया जाता है। बासमती की कई वैरायटियाँ होती है, उसमें यह धान इस रोग का ज़्यादा असर होता है। इंद्रासन और चिन्नौर प्रजातियों में भी इसका असर बहुमूलता पाया जाता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या इसकी पहचान है, कैसे हम इसे जान सकते हैं कि यह बकानी रोग है, तो किसान भाई वीडियो पूरा देखें। पहचान और बचाव सभी के बारे में सुचारू रूप से बताएंगे, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं और अच्छी सी दवाई का प्रयोग करके इसे नष्ट किया जा सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले इस रोग की पहचान बताते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान काफ़ी आसान है। जब हम खेत जाएंगे तब पूरे खेत में लम्हर धान देखने को मिलेंगे, जो अन्य धानों की अपेक्षा लंबा धान होगा और पीला धान हो वो पीला होगा, और उस रोग ग्रसित ही धान आपको दूर से ही साबित होगा, लेकिन उसकी लंबाई अन्य धान की अपेक्षा काफ़ी हद तक ऊँचा होगा। तो यह रोग आप समझ जाएंगे कि ये फ्लैग रोग है, जिसे आप झंडा रोग, बकानी रोग बोलते हैं। आपको लंबा दिखाई पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में 20-50 पौधे इस प्रकार के देखने को मिले तो आप निराई की विधि से उसको निकाल सकते हो। सबसे पहले हम बचाव के तरीके बताएंगे, और उसके बाद इसके अगर आपके धान में ये रोग लग गया है तो उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ किसान भाई नर्सरी बोने के टाइम पे बिना बीज शोधित किए नर्सरी बो देते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना। नर्सरी बोने के टाइम पे कर्मंडाजिम का इसके द्वारा अपने बीज को शोध जरूर कर लेना, शोध करने के बाद ही नर्सरी बोएं। तो किसान भाई, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए इसका, अगर आपके खेत में हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कर्मंडाजिम 12% प्लस मोनकाजेब 63% WP 500 ग्राम ले लेना है, एक एकड़ के लिए बता रहे हैं। स्प्रे करके उसको पूरे खेत में स्प्रे की विधि से छिड़काव कर देना है, और आसानी से इस रोग से आप निजात पा जाएंगे। एक हफ्ता के अंदर आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा और साथ में अन्य पौधों को लाभ सिद्ध होगा। अच्छी ट्रेलिंग, अच्छी पैदावार आपकी बनी रहे। तो किसान भैया, इस रोग का अनदेखा न करके इस रोग का निजात जरूर कर लेना, नहीं तो आपका फसल काफ़ी हद तक नुकसान में पहुंच जाएगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो आसानी तक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।